अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराते रखे। आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। दोपहर का टाइम है, लंच का टाइम हो गया है माशाल्लाह से, तो अभी सब दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं। आसफ भाई भी आ गया और फैसल और खाकी है, वो भी आ रहे हैं। दोपहर का टाइम है, अभी खाना खाना है, जोर की नमाज भी पढ़ेंगे। वालेकुम सलाम। तो आज का टॉपिक होगा हमारा, जो हमने ग्रेडर सीखा है, कहाँ से सीखा है, इन सब का तारफ भी करवाएंगे, कौन कौन से इलाके से हैं पाकिस्तान से, इन सब का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह आज का व्लॉग आपके लिए फायदेमंद होगा और आपके साथ सारी बातें इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अभी लंच कर लें, लंच का टाइम है, तो उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। इन सब का तारफ करवाएंगे, ये कौन कौन से इलाके से हैं और कितनी कितनी देर इन्हें सऊदी अरब में हो गई है। लो जी माशाल्लाह, अभी टिफिन खोले जा रहे हैं। आज अंडा, कल हमारा था, आज तुम्हारा है, हमारी तो दाल है। तो ये फैसल भाई अंडा लेके आया। अंडा मीठा के लूना है? अच्छा, चलो ए तमीज बड़ा ताल के ले आना डेली। कोई नहीं, हले आटा ले आना। अपनी खुराक भी चेक करो। ये देखे जी हमारे उबले हुए चावल, रात को दाल थी ना साबुत मसाला, तो अभी जो है साथ में चावल जो है थोड़े से बच गए तो वो भी ले आए। तो अभी दाल है और चावल है और अंडा है, लंच कर लें फिर बात करते हैं। लो जी माशाल्लाह से अभी खाना खा लिया, बात शुरू करते हैं। सबसे पहले उस्ताद अरफान से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह केड़ा इलाका है अपना? जिला चकवाल। चकवाल माशाल्लाह। कितने साल हो गए सऊदी अरब? साल तो जनाब 23 साल हो गए माशाल्लाह। 23 साल ते ए दसो भी ग्रेडर इत्थे सिखया सी या पाकिस्तान? इत्थे सऊदी अरब भी सिखया। माशाल्लाह, किसे पाकिस्तानी को सिखया या फिर? नहीं बस इंजे तवक्कुल अल्लाह। तवक्कुल अल्लाह, यानी के कोई तुहाडा उस्ताद कोई नहीं? उस्ताद नाल इस काम में कोई नहीं वल्ला। आया एक ही कुछ गल है। पहले के काम करदे सी? पहले काम मैं सऊदी अरब आया थे, ऐसे केबल लैंड भी काम करते रहे, एसफाल्ट का काम करते रहे। अच्छा, इसे काम ही रहे, रोड लैंड तकरीबन। रोड लैंड ही रहे हो? यानी फिर किवें होया के भी तुसी ग्रेडर सीखना है? बस सही गल ते है कि बस तनखा दे हिसाब से जिस ती सुनदी कि तनखा बहुत ज्यादा है ग्रेडर दी। हां भी ग्रेडर दी अच्छी तनखा है, इस वास्ते मैं पैसा करके आंदा हर कोई। नसीबन दी भी गल है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक ने लिखया है। माशाल्लाह, शुरू च कितनी तनखा सी तुहाडी? शुरू में तकरीबन जेड़ा पहले 2 महीने काम की 3500 रियाल काम किया। पहले 2 महीने? 2 महीने माशाल्लाह, 16 दिन 3500 के हिसाब ना। उसके बाद मैंने जेड़ी 5000 तनखा हुई। हुन माशाल्लाह, हुन कफील ना लगे हो? जी कफील ना लगे, लेकिन फिर मैं आजाद हूं। आजाद है ते साल हो गया। आजकल सैलरी माशाल्लाह की है, दसना पसंद करो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा लाख शुक्र है, अपनी औकात भी ज्यादा, यानी आगे नालों ज्यादा है। बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह, आगे नालों बेहतर है, सही है माशाल्लाह। वैसे तो 5-6 हजार चल रही है, चलती है चलती माशाल्लाह, चलो बेहतर हो गया जी। ते अपना इलाका चकवाल ही, सही है ना? 22-23 साल हो गया जी। अगे चलते हैं भाई आसफ ना गल करने। सलाम वालेकुम जी, टोपी वाले भाई जान, क्या हाल है? ठीक हो? ये वड्डी मेरे इंटरव्यू दे। तुसी ये दसो भी कितने साल हो गए थानो? नहीं नहीं, के सिखाया साल मेरे कोल औसन तो फिर मेरे तो गल नहीं होंदी। नहीं, कितने साल, कितने हो गए सऊदी अरब च? कितने साल हो गए? 10-11 साल। 11 साल हो गए। पाकिस्तान सिखया सी या इत्थे? नहीं इत्थे सऊदी। ग्रेटर सऊदी अरब ही सिखया? चलो माशाल्लाह। उस्ताद केड़े तेरे? मेरे उस्ताद वाजिद भी हैं। उस्ताद वाजिद वो केड़े इलाके? हरिपुर हजारे दे। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत इखलाक वाले। सही सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। सही, ते शुरू जी ग्रेडर ते आए सी? दसो ना लम्मा ना तू आ भी किधर? साइकिल चलाया, मैं साइकिल चलाई, मैं स्कूटर चलाया, मैं खुद नहीं इथे साइकिल ही साइकिल ही आखो ते चढ़या शेवल तो बिल्डोजर तो रूली जई तो। अच्छा, यानी ऐसा ऐसा जी मैं लम्मी कहानी, काफी लम्मी कहानी। ओ फिर किसी दिन कल्या था तुम्हारा इंटरव्यू लाओ, एक कल्ले जाने ना, सही है ना? तो चलो हूं माशाल्लाह कफील ना लगे हो? कफील ना सही। चलो माशाल्लाह, इन्हां दी सैलरी तकरीबन इन्हां दे बराबर ही आ। ते हुण आ जाने कंपनी वाले बंदे बैठे इन्हां नाल गल करने माशाल्लाह। ते ए किथों किथों दे केड़े इलाके दे? अस्सलाम वालेकुम जी उस्ताद खाकी, की हाल है? ठीक हो? खैरियत है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह। आज बड़े चमक रहे हो। नहीं, मौसम तो आज काफी प्यारा है माशाल्लाह, बदल आ गए बिच, हवा जड़ी चलदी ता पाउडर उठिंदा ना, उत्ते जावे ना पाउडर फ्री मिलदा। अपना इलाका केड़ा? पाकिस्तान। पाकिस्तान इलाका केड़ा अपना? पाकिस्तान चीचा बदरी।
चीचा वदनी कमालिया चीचा वदनी यानी फिर तो मेरा इलाका होया ना कमालिया तो तकरीबन 20-22 किलोमीटर चीचा वदनी ते अपना ये दसो भी सऊदीया कितनी देर होगी मैंने हो गए 5-6 साल तो हो गए 5-6 साल हो गया शुरू ची कंपनी ची आयो हां कंपनी ची माशाला सही है कंपनी ग्रेटर पाकिस्तान ही सिखा सी या इथे सऊदी अरब पहले केड़े काम ते आए सी काम से गया तो सिखा ही थई है यानी शुरू तो इथे इसे काम ते आए इथे सिखा हां इथे सिखा यानी यो पाकिस्तान कोई और गड्डी गुड्डी चला लेंदे सी कोई यानी साइकिल तो अलावा का शहर नहीं साइकिल तो अलावा कोई शहर नहीं सी चला लेंदे ते इथे आके माशाला ग्रेटर चला रहे हैं ते तुसी कहंदे हो करे की हां कंप्यूटर ग्रेडर माशाल्लाह सैलरी सुलरी सही है माशाल्लाह ठीक है माशाल्लाह कंपनी दे विच अल्लाह ताला ने नसीब रिस्क लिया ना जी जी मुताबिक सही है सही सही नहीं माशाल्लाह सैलरी है कि 1.5-1.5 लाख कमा लेंदे कंपनी चलो जी माशाल्लाह चीचा वदनी दे ते फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम की हाल है ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह चलो माशाल्लाह ते फैसल भाई अपना इलाका जिला चनियोट खास चनियोट जी खास चनियोट माशाल्लाह ए फैसल भाई भी तकरीबन नवे आए हो हां तकरीबन 3-1 साल 3 साल सो दिन इसे कंपनी ऐसे ये अपना तुसी ये दसो भी ग्रेटर किथे सीखया सी पाकिस्तान कितनी की देर हेल्परी की थी तुसी पाकिस्तान हेल्परी की थी को 5-6 महीने माशाल्लाह हुन इथे सैलरी सुलरी किवें अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र यानी खाकी दे उस्ताद तुसी तकरीबन बराबर ही सैलरी दे हिसाब ना बस अल्हम्दुलिल्लाह रिज़क अच्छा मिल रहा ठीक ठाक चलो माशाल्लाह ते मैं जी मोहम्मद नफीस मेरा जो तहसील है वो कमालिया है तो जिला टोबा टेक सिंह है तो मैं तकरीबन 2007 में आया था अभी तकरीबन 16 साल हो गए सऊदी अरब में तो मैं भी पहले पेंचरी का काम करता था फिर शेवल चलाया फिर ग्रेडर पे आया बुलडोजर भी चलाया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से पहले कंपनी में आया था फिर आजाद फिर चला गया फिर आजाद आया फिर अभी कंपनी में आया यानी अभी काफी साल ऐसे चक्कर लगाते हो गए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अभी कफील के साथ ही माशाल्लाह काम कर रहे हैं सार फान और ये आसफ भाई हमारा कफील एक ही है तो माशाल्लाह से इनके तकरीबन 1000-1500 इनसे कम ही है सैलरी लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी है जी माशाल्लाह इन सब का जो इंटरव्यू हो गया अभी वजू किया हमने नमाज पढ़नी है जोर की तो उम्मीद करूंगा कि आज का जो व्लॉग है वो आपको पसंद आया होगा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो भाई करना चाहिए क्योंकि मैं भी जब आया था तो मुझे भी जो एजेंट है ना उसने सबज बाग दिखाया था कि 900 रियाल आपकी सैलरी है तो आपको वहाँ ये मिलेगा वो मिलेगा आप आए तो सही कुछ करें तो सही यही सोचते रहेंगे कि यार मैं अगर इस मशीन को सीखना चाहता हूँ या बुलडोजर या ग्रेडर कोई भी चीज सीखना चाहता हूँ मुझे 4-6 महीने लगेंगे ऐसे ही है तो आप 4-6 महीने यानी वो आप सीखने की बजाय आप 4-6-8-10 साल जाया कर देते हैं इसी चक्करों में कि यार मैं क्या करूं आप कुछ करेंगे आपको जहन में इधर होना चाहिए कि आपने कुछ करना है तो आप कर सकते हैं ना इंसान है कुछ भी कर सकता है लेकिन जब आपने यही नेगेटिव सोचना है कि मैं इसको कैसे सीखूंगा इतनी बड़ी मशीन है कल भी मुझे एक बंदे का मैसेज आया मैंने उसको ये वीडियो भेजी मैंने कहा मैं ये चलाता हूँ यार आप ये चला लेते हैं हम तो ये नहीं चला सकते बस यही है हर बंदा यही कहता है कि मैं ये नहीं चला सकता बंदे जहाज उड़ा लेते हैं ये क्या चीज है लेकिन आप कुछ भी करें ग्रेडर बुलडोजर जो भी आपके जहन में आता है एक बार कंपनी में आए कंपनी में आप काम सीखें कंपनी में सैलरी कम होती है लेकिन आदमी काम सीख जाता है किसी किस्म का भी काम हो सीख जाता है सीखते सीखते एक्सपीरियंस होते फिर आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी अगर आप सोचें कि अभी से सैलरी जितनी इन लोगों की है या उसकी है इसकी है उतनी हमें भी मिले लेकिन हम भी भाई 900 से फिर 1200-1500 3000-4000 पे भी अल्हम्दुलिल्लाह से पहुंचे हैं लेकिन आप भी कोशिश करें एक स्टेप तो चढ़े स्टेप चढ़ेंगे तो आगे वाला स्टेप आप क्रॉस करेंगे जब चढ़ेंगे नहीं तो ठुड्डे खाते रहेंगे तो उम्मीद करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आएगी लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे जोहर की नमाज पढ़ लें अल्लाह हाफिज़।